Assalamualaikum to everyone. उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे. आज जो है असबीज प्लेनेट में मैंने एक व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है. ठीक है, बस ये मैंने कहा चलो स्टार्टिंग बना लेते हैं क्योंकि उस व्लॉग की स्टार्टिंग कोई नहीं है. तो मैंने सोचा चले स्टार्टिंग बनाते हैं और फिर मैं जो है आगे आप लोगों को व्लॉग दिखाती हूँ. ठीक है, व्लॉग जो है आज मेरी ताई माँ आई थी घर. ठीक है, हम उनको बड़ी अम्मी कहते हैं, तो व्लॉग में अगर मैंने कहीं बड़ी अम्मी बोला तो नो ऑफेंस. ठीक है, और साथ में मेरी आई थी भाभी आई थी, भाई आए थे, और बहुत क्वालिटी टाइम, बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हुआ. ठीक है, अभी अभी वो यहाँ से गए हैं. ठीक है, और मैंने सोचा यार फटाफट साथ ही व्लॉग एडिट करके तो यूट्यूब पे लगाते हैं. ठीक है, क्योंकि यार कुछ व्लॉग्स मैं लगा भी नहीं रही और कोई वीडियोस भी नहीं लगा रही. सो चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ. सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती थी मैं छोटी सी एक बात आप लोग के साथ शेयर कर लूं. ठीक है, वो बात ये थी कि जो मेरे बड़े बुआ ना, यानी कि जो मेरे ताया बुआ ना, उनको हम बड़े बू बोलते हैं. ठीक है, और बड़ी अम्मी को सॉरी ताई माँ को बड़ी अम्मी. ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना होना. तो जो मेरे तो उनको उनकी डेथ को हुए ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स हो गए हैं. ठीक है, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके आला मुकाम करे जन्नत में. ठीक है, आमीन सुमा आमीन. और आप सब लोग भी उनके लिए फातह पढ़ के तो उनको साले सवाब कर दीजिएगा. और अच्छा, बात ये थी कि जब से उनकी डेथ हुई है ना, मतलब जब वो आया करते थे हमारे घर तो हमें इतनी खुशी हुआ करती थी कि हमारे बड़े बहू हमारे घर आए हैं. ठीक है, उनका मेरी बड़ी आपी से बहुत ज़्यादा प्यार था. उन्होंने जब भी आना ना तो वो कहते थे कि तुमने मेरे पास ही रहना है, तुम इधर ही रहोगी. ठीक है, तो उनका उससे बहुत प्यार था और हमें मतलब बड़ा अच्छा फील होता था जब वो हमारे घर आते थे. तो अब उनकी डेथ के बाद जब मेरे कज़न्स आते हैं, वो एब्रॉड होते हैं, जब वहाँ से एब्रॉड से आते हैं ना, तो वो लाजमी यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाते हैं हमारे पास. तो वो जब आते हैं तो वो ऐसी उतनी खुशी होती है जितनी हमें बड़े बू के आने की खुशी हुआ करती थी. तो इसी तरह अब वो दूसरे भाई आए थे तो उनके आने से भी हमें बहुत खुशी हुई है, जैसे बड़े बू के आने से खुशी हुआ करती थी. तो बस बड़े भाई ने भी माशाल्लाह, भाई आए, उन्होंने बातें की, बहुत ज़्यादा मतलब हमने फ़न किया. तो चलें अब ना हम चलते हैं व्लॉग की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. नहीं वो तू पता नहीं, केक देना बिलो और हाल चाल पूछे सबका. क्या हाल चाल आपका? सब कैसे हैं? ठीक है, सही है. चलें अब आप लोग खाएं. यस, पार्टी हो रही है. हाँ जी. हेलो यान, कैसे हो? आयान, बाहर जाना है आपने? क्या टूट गया? अच्छा, तो जनाब यहाँ पे हो रही थी अब ढेर सारी बातें. ठीक है, बातें जो हैं वो मैंने कट कर दी. मैंने कहा यहाँ पे अब आप मेरी आवाज़ सुन ले. ठीक है, तो यहाँ पे अम्मी और कज़न जो और बड़ी अम्मी बैठ के बातें कर रही थे. साथ में ये छोटा सा बेबी बैठा हुआ था यहाँ पे, इसका नाम है इब्राहिम. और माशाल्लाह बहुत अच्छे, मतलब ये जो है ना हरकतें कर रहा था, इसके एक्सप्रेशन है कोई माशाल्लाह, इतने अच्छे एक्सप्रेशन देता है. ओ नो, ओ यस, माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना एक्सप्रेशंस दे रहा था. और यहाँ पे और भाई यहाँ भी ऊपर अब हो रही थी फिर से बातें बातें बातें. और यहाँ पे हम लोगों ने यूट्यूब को इतना डिस्कस किया, यूट्यूब के कुछ फेमस यूट्यूबर्स की हम लोगों ने इतनी सारी भाई के साथ बातें की, भाभी के साथ बातें की. ये बस बातें ही कर रहे थे अभी मेरे से यही यूट्यूब के बारे में कि इस तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब दिनों में माशाल्लाह से अपनी जो है ना उन्होंने तरक्की की है और कहाँ से कहाँ चले गए हैं. इंशाल्लाह हम भी करेंगे. यहाँ पे भाभी हंस रही थी कि ये मुसलसल व्लॉग बना रही है और भाई कहते हैं तू व्लॉग ना आला ना पहले. यहाँ पे ये लोग जाने की तैयारी में थे, इनको कह रहे थे यार खाना खा के जाएं आप लोग, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें अभी, इन्होंने एक दो जगह पे और जाना है और वहाँ पे लोगों से मिलना था. ये यहाँ पे सियालकोट नहीं ना रहते, रावलपिंडी रहते हैं. तो बस इन्होंने मिल के तो एक दो दिन तक वापस भी जाना था. तो वही बस हंस रहे हैं सारे.
और अब यहाँ पे बड़ी अम्मी और भाभी वगैरह जा रहे थे। भाई पहले ही पता नहीं किसी काम के लिए, पता नहीं गाड़ी लेने या क्या करने गए थे बाहर, तो अब ये पीछे से भाभी और बड़ी अम्मी जो है वो जाने वाली थी। भाभी मजाक कर रही थी, ये मेरी सिस्टर है छोटी, अभी घर नहीं थी, और जब ये घर आई तो ये तब आई थी जब ये जा रहे थे सा। तो खैर तब आके इसने मिल लिया भाभी से भी और बड़ी अम्मी से भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना छोटा इब्राहिम, ये अपना काम वगैरह जो होता है बच्चों का, वही खिलौने वगैरह बस उनको दे दो और फिर उनको भूल जाओ, या फिर मोबाइल दे दो और बच्चे भूल जाओ बस। बच्चे जो है ना वो इन्हीं चीज़ों में बिल्कुल मस्त रहते हैं। तो यहाँ पे बस भाभी जो है, भाभी भाभी शीशा वगैरह देख रही थी और देख के कहती है ओ मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो बच्चे बंदे को इतना ज्यादा जो है ना होना चाहिए बबली, और मतलब कि बंदा अपनी कंपनी तो खुद एंजॉय कर सके ना। इस तरह के बंदे जो है ना कम ही उदास हुआ करते हैं, वो अपनी कंपनी खुद एंजॉय कर लेते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जो लोग अपनी कंपनी खुद एंजॉय करते हैं। आ जाओ, इसको पीछे। बस ये अभी यहाँ से निकल रहे थे तो बड़ी अम्मी को यहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए चढ़ते हुए बड़ा मसला होता है, क्योंकि घुटनों का प्रॉब्लम है, कमर का है, तो आपको पता है एजड लोगों के लिए थोड़ा सा ये सीढ़ियों का मसला हो जाता है। वही उनको पकड़ के तो सीढ़ियाँ उतरवा रही थी, और यहाँ पे बस अब भाभी जो है वो अच्छा अब क्लियर हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। किसका नाम ले रहे हो? बाय बाय। मैं तुम दस मिया देख लिया बिल्लू। आ जाओ। अच्छा अल्लाह हाफिज। आ जाओ आ जाओ। नहीं वो बाहर ही निकल गया है। उसे कहना मेकअप दे दो। मेरे बैग में कम पेपर होते हैं। उनसे पूछ चाहिए तो नहीं। दादी ना वो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। वो नहीं देगा। जाओ दिया आओ, जाओ दिया आओ, जाओ चलो चल अयान नहीं इब्राहिम है ये, जाओ दे दो उनको, वो मांग रहे हैं। वो दो ना उनको, जे आप लो वो दो उनको दो ना। कोई मूड नहीं। दे मुझे दो ना, उन्हें बोलो दे दो दे। सबा अच्छा सबा नाम ले रहा है। हाँ नाम ले रहा है। कुछ कहना पे हूँ समझ नहीं पे आता। अच्छा तो जनाब यहाँ पे जाते जाते जो है बहुत सारी बातें खड़े खड़े, आपको पता है पाकिस्तानी फैमिलीज में यही होता है, बंदा कह रहा है मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, पर जाते जाते गेट पे खड़े खड़े कितनी सारी बातें हो जाती हैं। बस ये जाते जाते इतना लंबी जो है बातें चाहते हो गई, अभी भी बातें हो रही थी। तो यहाँ पे भाई वो चले गए, तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल पे ढेर सारे वीडियोस पे कमेंट करना है और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।